हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100, में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंडोनेशिया में हुआ विमान हादसा, पीएम मोदी ने जताई संवेदना, कहा दुख की इस घड़ी में साथ खड़ा है भारत। उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई। जम्मू में बारिश बनी आफत, 30% गेहूं की फसल खराब, किसान परेशान। केजरीवाल की राह पर पुडुचेरी के सीएम, 3 दिनों से लगातार राजभवन के बाहर दे रहे धरना। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर एक तेज रफ्तार कार पलटी खा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार चालक निर्भीक जैन की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार में सवार अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक निर्भीक जैन MBA का छात्र था और अपने 4 अन्य दोस्त यश, कुणाल, भाविका और पारुल के साथ घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। जांच अधिकारी की माने तो हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मैं केवल एक आदमी को जानता था उसमें से, जिसकी डेथ हुई, निर्वेद जैन नाम है उसका। मेरे साथ में कॉलेज में था और अभी हमें भी सुबह ही सूचना मिली है कि उस साथ में ऐसा हादसा हो गया। ये कहां पे रहने वाले हैं? ये सागर का है, मूलतः सागर का है, विजयनगर में। यहाँ पे जॉब के लिए आया था, पढ़ाई भी साथ में यही इंदौर से पढ़ाई करी है उसने, यहाँ पे जॉब के लिए आया। अभी यहां कहां रहते हो? बापड़ चौराहे पे। ये घटना के दिन रात में कहां से कहां जा रहे थे, कुछ पता है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कितने लोग थे टोटल? ये लोग 5 लोग थे। बाकी लोग कौन कौन थे इसमें शामिल? नहीं पता। ये लड़का लड़की शामिल? हाँ, ये सारे फ्रेंड्स थे जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। जिनकी डेथ, उनका परिवार क्या करता है? परिवार में उनके कौन? उसके मम्मी है जो अभी हॉस्पिटल में है, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और उसके फादर नहीं है। एक मर्ग जांच मुझे प्राप्त हुई है, इसमें जो है प्राथमिक तौर पे इंटीमेट हुआ है थाने पे कि सुपर कॉरिडोर ब्रिज के ऊपर कार पलट गई थी, उसमें जो है निर्वित जैन निवासी भोपाल जो है उसकी डेथ हो गई है, और उसी की जांच के लिए मैं आया हूँ। और अभी वही बाकी आगे कुछ लोग घायल है जो बारूड हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आगे जाँच की जाएगी, बताया जाएगा। ये अभी हम नहीं बता पाएंगे कि नशे में। तो कितने लोग थे और कहां पर जाने का ऐसा था जब सुपर कॉरिडोर पे हुआ है, तो जो कार चला था उसकी मृत्यु हुई है? हाँ, इसमें कार चलाने वाले की मृत्यु हुई है, बाकी लोग घायल है और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उज्जैन की खाचरोद पुलिस ने 3 स्थानों पर घेराबंदी करते हुए 1 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि खाचरोद पुलिस को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी हो रही है, जिसके बाद खाचरोद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर तस्करों की तलाश शुरू की। इस कार्यवाही में पुलिस ने तीनों मामलों में 114 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 कारें व 1 बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मादक द्रव्यों की तस्करी के संदर्भ में उज्जैन शहर और देहात की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, इस पर हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी। उस टीम का काम यह था कि उस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाना और उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, कहां से आता है, इस पर काम करें। इस सूचना पर हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, इस टीम को महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, और कल हमें एक बहुत विश्वस्त जानकारी प्राप्त हुई कि महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला एक सप्लायर जो है वो अपने खाचरोद के एक साथी के साथ कुछ एक बड़ी खेप लेकर जा रहा है, जिसको वो खाचरोद क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट, खाचरोद और उसके आसपास के जो नागदा उन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस सूचना पर हमने टीम लगाई और एक क्रेटा गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो दोनों ही आरोपी हमें मिले, और उसमें से हमको 71 kg गांजा प्राप्त हुआ। और उनसे जब पूछताछ की गई तो जो उनके नेटवर्क, जो नीचे का नेटवर्क है, उसकी बहुत जानकारियां प्राप्त हुई, तो उस पर हमने जो दबिश दी तो उसमें एक जगह से 53 kg, दूसरी जगह से 20 kg और एक अन्य आरोपी जो फुटकर व्यापारी है उसके पास से 2 kg 100 ग्राम प्राप्त हुआ। कुल इस तरह से हमें 1 क्विंटल 46 किलो और 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। 6 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी और एक ओमनी गाड़ी और एक 2-व्हीलर, 3 गाड़ियाँ भी जब्त की हैं।
इनका और जो नेटवर्क है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिस पर हमारी टीमें काम करना शुरू कर दी हैं। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये भी पॉइंट रहेगा कि ये गांजा वास्तव में सप्लाई कहां से लाते थे, इस पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। ग्वालियर में शहरवासियों को सांसद विवेक शेजवलकर के सार्थक प्रयासों के चलते नए साल में सौगात मिली है। दरअसल शहर के लोगों ने मुंबई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के ग्वालियर स्टॉपेज को लेकर मांग की थी। इसके बाद शहरवासियों की मांग पर ग्वालियर सांसद शेजवलकर ने रेल मंत्री से ग्वालियर स्टॉपेज रखने को लेकर चर्चा की थी। अब रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद मुंबई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ग्वालियर पहुंची, जिसे ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। बता दें सांसद शेजवलकर इसी ट्रेन से मुंबई से ग्वालियर पहुंचे थे। ये काफ़ी समय से ये मतलब मांग थी और ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुंबई जाने के लिए यहाँ से कोई फास्ट ट्रेन नहीं थी और इस ट्रेन को चालू हुए लगभग 1.5-2 साल हो चुके थे, पर ग्वालियर नहीं स्टॉप भी मिल रहा था। सब लोगों ने प्रयास किया और हमको स्टॉपेज मिला। फिर धन्यवाद करना चाहूँगा रेल मंत्री जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, बाकी उन सभी मेरे मित्रों का जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। सिंधिया जी ने भी पत्र लिखा, सब मुझे बताया गया। क्रिकेट के मेरे मित्र, चैम्बर के मेरे मित्र, सभी व्यापारिक संस्थाओं के मेरे साथी, सब लोगों ने इस बात के लिए काफ़ी आग्रह किया था और अत्यंत खुशी है कि वो आज सौगात हमको मिली है। जो भी मुझे मिल रहा है ट्रेन में भी बहुत सारे मित्र मुझे मिले, मतलब वहाँ पर जो IRCTC में काम करने वाला कर्मचारी तक वो भी खुश है। सबको बहुत बहुत बधाई। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले BSF के अधिकारी के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जवान अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में होने वाली आर्मी परेड में शामिल होने के लिए गए हुए थे। घटना के बाद आसपास के रहवासियों ने पुलिस सहित BSF अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी ने आकर थाने में चोरी की घटना का प्रकरण दर्ज कराया। अब पुलिस आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। सौरभ बता रहे हैं यहाँ पे, ये BSF के अधिकारी हैं यहीं पे। जब इनके यहाँ चोरी हुई तब ये आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो रात में इनके यहाँ पहले तो एक्चुअल में बहुत दिन से ताला गेट पे ही लगा हुआ था, तो हो सकता है भाई यहाँ पे आने जाने वाले हैं। सिक्योरिटी चेक रहता है, गाड़ियों के नंबर होते हैं, लेकिन अब आप एकदम नहीं बता सकते हैं कॉलोनी वगैरह इधर अभी, क्योंकि सुनसान है थोड़ी। तो रात में इनके यहाँ चोरी हुई, हमें अगले दिन बताया गया। मैं भी कार्यक्रम में था, 1:30 बजे आया था, तब मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। उसके बाद इनके परिचित हैं LN City में, जो भी BSF में ही हैं, उन्होंने ही शिकायत करी थी और हमें भी बताया था और बोला था कि आप भी सतर्क रहें, इस तरह की घटनाएं यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद पुलिस आई थी लेकिन ये थे नहीं, तो कार्यवाही हो नहीं पाई। और उसके बाद इन्होंने बाद में आई थिंक वापस से FIR वगैरह हुई है, तो ये अब कार्यवाही होगी और जो भी पूछताछ होगी उसके बारे में फिर बात करेंगे। ग्वालियर में एक बार फिर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया गया है। यहां रविवार को हिंदू महासभा ने पार्टी कार्यालय में गोडसे ज्ञानशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज सहित अन्य नेताओं ने नाथुराम गोडसे के चित्र पर तिलक किया और आरती उतारी। इस दौरान डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि हिंदुओं के कत्लेआम ने नाथुराम गोडसे को हिला दिया था, वे गांधी नहीं जिन्ना का भी प्रतिकार करना चाहते थे। हम गोडसे ज्ञानशाला के माध्यम से नई पीढ़ी को गोडसे के अच्छे कामों को बताएंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, क्रांतिकारी शहीदों का, बलिदानियों का जत्थे के जत्थे दिए। हम आज बता देना चाहते हैं कि इन क्रांतिकारियों बलिदानियों का जो है अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा और देश का विभाजन किया गया। इस विभाजन के कारण आज हमारे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और आज हमने हिंदू महासभा भवन ग्वालियर में हमारे नेता कैलाश नारायण जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी जी, लाल जी शर्मा जी और हरिदास जी के नेतृत्व में जो गोडसे ज्ञानशाला यहाँ आयोजित की है, उसका उद्घाटन हुआ है। हम इसमें युवाओं को बताएंगे, हमारे साथ अनेकों महिलाएं भी साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं आज हमने जो प्रेरणा देने के लिए जो नाथुराम गोडसे जी ने जिनसे प्रेरणा ली थी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, उनके चारों गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र जो शहीद हुए, हेडगेवार डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर जी जैसे महान पुरुषों से उन्होंने प्रेरणा ली थी और इस जो है जो प्रतिकार किया वो गांधी का नहीं, उनको जिन्ना का भी प्रतिकार करना था
और हम चाहते हैं यदि देश का कोई भी विभाजन करेगा तो हिंदू महासभा उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाथुराम गौड़से हम हिंदू महासभा फिर पैदा करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।